उधर कायरन पोलार्ड ने छोड़ दिया, यहाँ पे चेन्नई ने ब्रावो को छोड़ दिया। जी ब्रावो को छोड़ दिया चेन्नई ने, हालांकि फास्ट बॉलर्स कहीं छोड़े हैं, फिर भी 5-6 फास्ट बॉलर्स इनके पास मौजूद हैं। किटी में 20 करोड़ भी हैं। वेल डन भाई, अच्छी लग रही है चेन्नई की टीम। क्या करेगी, क्या होल्स हैं जो प्लग करेंगे, किनको छोड़ा है, किनको देखेंगे पकड़ना, क्योंकि एडम मिलक्रिस्ट, जॉर्डन वेन, ब्रावो सबको तो छोड़ दिया, फिर कैसे चलाएंगे अपनी बॉलिंग, वी शैल टॉक अबाउट दैट। दिल्ली कैपिटल्स शार्दुल को भेज दिया था, अब शार्दुल तो भेज दिए हैं, टिम सैफर्ट को छोड़ दिया है, अभी भी आपके पास 19 करोड़ रुपए बचे हैं। 19 बहुत होते हैं पैसे, तो फिर देखना पड़ेगा वहां क्या होता है। गुजरात टाइटंस के पास भी तो पैसे हैं, टीम अच्छी लग रही है, पर जाने दिया लॉकी फर्ग्यूसन को, जाने दिया इन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को, तो फिर अब कौन इनकी जगह कौन आएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स वंस अगेन फाइंड देमसेल्व्स इन अ स्लाइटली प्रिकेरियस सिचुएशन, क्योंकि सिर्फ 14 खिलाड़ी इनके पास हैं, टोटल 14 खिलाड़ी हैं, ओवरसीज खिलाड़ी 5 हैं, यानी कि 4 की अभी जगह उपलब्ध है। किटी में सिर्फ 7 करोड़ रुपए बचे हैं, 7 करोड़, दैट्स इट। और लखनऊ सुपर जायंट्स, इंटरेस्टिंग, जेसन होल्डर को जाने दिया, मनीष पांडे को जाने दिया, 23 करोड़ रुपए इनके पास भी आ गए हैं, और खरीदने के लिए सामान आएगा, क्या आएगा करते हैं बात। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन हैशटैग आकाशवाणी। बेटवे हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है, और ये हमारा सेकंड रिटेंशन स्पेशल है, इसमें हम बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई सुपर किंग्स, एक ऐसी टीम जिसने 4 पेसर्स को छोड़ा यार, 4 पेसर्स, आई विल टेल यू किस किस को जाने दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। एडम मिलन को छोड़ दिया, क्रिस जॉर्डन को छोड़ दिया, ड्वेन ब्रावो को छोड़ दिया, आसिफ को छोड़ दिया, ये लो जी, उथप्पा ने रिटायरमेंट ले लिया, वो चले गए, जगदीशन को इन्होंने छोड़ दिया है, हरी निशांत को छोड़ दिया है, और भागरथ वर्मा, तो मतलब जो बड़े नाम थे उनमें से एक रॉबिन जो है वो रिटायर्ड है, और बाकी 3 फास्ट बॉलर्स हैं। और उसके बावजूद जब मैं इस टीम के फास्ट बॉलर देखता हूँ ना, तुषार देशपांडे हैं, सिमरजीत सिंह है, राजवर्धन हंगरकेकर है, मुकेश चौधरी है, महेश पथिराना है, ड्वेन प्रिटोरियस और दीपक चाहर हैं, नहीं चाहिए फास्ट बॉलर हो जाएगा काम। ड्वेन प्रिटोरियस डेथ में बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, महेश पथिराना के रूप में एक एक्स फैक्टर है, दीपक चाहर नई गेंद संभाल लेंगे, मुकेश चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया है, कुल मिला के एक आधा ही कोई और बॉलर मिल जाए डेथ का तो काफ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बैटिंग के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो जड्डू को नहीं छोड़ा भाई देवे, बैटिंग के अंदर जब मैं देखता हूँ तो ऊपर आपको डेवन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड, उसके बाद मोइन अली, अंबती रायडू, नाउ आई नीड समबडी, राइट, यहाँ पे मुझे समबडी चाहिए, तो इनको मिडिल ऑर्डर बैटर ढूंढेंगे, ये किस तरीके से कोई मिल जाए, ऑलराउंडर इनको भी अच्छा लगेगा कि भाई कैमरन ग्रीन मिल जाए, इनको अच्छा लगेगा अगर इनको सैम करन मिल जाए, सैम करन के पीछे फ्रेंचाइज भाग सकती है, क्योंकि अच्छा बड़ा लगता है कप्तान को, मल्टी फैसेटेड क्रिकेटर्स, राइली रूसो, हेनरिक क्लासन, कुछ नाम और मौजूद हैं जो ऑक्शन टेबल पर आएंगे, रीजा हेनरिक्स, अनदर फैंटास्टिक प्लेयर, तो नाम तो कई सारे आने वाले हैं, पर टीम इतनी ख़राब नहीं लग रही है, या अगर इफ दे पुट देयर थिंग्स टुगेदर, एक आधा स्पिनर और मे बी, क्योंकि मोइन अली एक तरफ, रविंद्र जाडेजा एक तरफ, एक और कोई हो जाए अभी, हालांकि एक लेग स्पिनर है इनके पास, आई विल टेल यू, इनके पास एक लेग स्पिनर है, बीच में से शिवम दुबे भी हैं, वो बैटर हम भूल गए, एक इनके पास लेग स्पिनर इन्होंने छोड़ा तो नहीं होगा, प्रशांत सोलंकी, प्रशांत सोलंकी के रूप में एक लेग स्पिनर है, खिलाते कम है पर हैं। टीम खराब नहीं है, नॉट अ बैड टीम एट ऑल, दिल्ली कैपिटल्स, आई हैव टू से द सेम थिंग अगेन, क्योंकि अगर आप पाएंगे इन्होंने छोड़ा किसको है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा यार, अश्विन हैबर, भारत, मनदीप सिंह, टिम सैफर्ट, इनको वैसे भी नहीं खिला रहे थे, और शार्दुल को भेज दिया है, वो वैसे ही बहुत महंगे थे, अब पैसे हो गए हैं आपके पास 19 करोड़ 45 लाख फ्री, इसका मतलब है आप किसी के पीछे भाग सकते हो, तो लोअर मिडिल ऑर्डर की जो समस्या थी, टॉप हैवी टीम थी ये, जहाँ पर डेविड वार्नर के साथ, पृथ्वी शॉ के साथ, फिर मिशेल मार्श और फिर ऋषभ पंत, उसके बाद समस्याएं थी, सी वहाँ पे ऊपर वो यश धुल का इस्तेमाल भी अच्छे से कर सकते हैं, और ललित यादव का रोल थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, बीच में एक दो ऑलराउंडर को ढूंढ सकते हैं, दैट्स वॉट दे कैन डू, तो क्योंकि पंटर वहाँ पर हैं तो फिर ऑस्ट्रेलियन की तरफ जाने के इनके चांसेस थोड़े ज़्यादा ब्राइट नज़र आते हैं, पर इंटरेस्टिंग होगा। दिल्ली के पास कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, एक आधा स्पिनर और मिल जाए, क्योंकि इस बार एक और चीज़ है ना, क्योंकि IPL जो है वो 4 मैदानों पे नहीं होने वाली, ये पूरे देश भर में घूम घूम के होगी, तो फिर जब वो रोविंग आ जाती है पार्टी, तो फिर उसके अंदर आपको हर मैदान पे अलग अलग गेंदबाजी करने वाले अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, तो वहाँ शायद आप चाहें कि मुझे एक आधा कोई और स्पिनर भी मिल जाए। सी एक और चीज़ कह रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि इस साल अमित मिश्रा, पीयूष चावला, मयंक मारकंडे, इन सब की थोड़ी डिमांड रहने वाली है, ये सारे बिकने वाले हैं, और हो सकता है ठीक पैसों में भी एक दो खिलाड़ी बिक जाए, दैट विल बी इंटरेस्टिंग कि कौन कहाँ जाता है। अब चलते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ, द डिफेंडिंग चैंपियंस, लॉकी को छोड़ा, गुरबाज को छोड़ा, फास्ट बॉलर्स हैं कितने इनके पास, अलजारी जोसेफ, दर्शन नालकंडे, मोहम्मद शामी, प्रदीप सांगवान, यश दयाल, एक और चाहिए,
आई फील एक और चाहिए, एक और इनको लगेगा, एक और फास्ट बॉलर लगेगा, एक ओपनर लगेगा, क्योंकि ओपनर में अभी इनके पास शुभमन गिल के साथ कभी मैथ्यू वेट, कभी रिधिमान साहा, यू स्टिल नीड एन ओपनर। और अगर इनको, इनके पास जितने पैसे हैं, अगर इनको मिल गया कैमरन ग्रीन, ओपन भी करेगा फास्ट बॉलिंग भी करेगा, काम इनका सेट है, इनको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कैमरन ग्रीन का तो मुझे लग रहा है 15 करोड़ अभी ले लो, नाम रखो 15 करोड़, दैट्स इट। 16 भी हो सकते हैं, 16.5 भी हो सकते हैं, क्योंकि टीम तो पूरी है इनकी ना, 18 खिलाड़ी ऑलरेडी हैं, एक और आ जाए तो 19 हो गए, 19 या 20 22 23 तो करने हैं, उसके बाद जो बचेंगे पैसे उससे खरीद लो सस्ते सस्ते खिलाड़ी, तो वो एक संभावना हो सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स, टीम दैट्स क्लोज टू माई हार्ट, पर जब मैं इस टीम को देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि इस टीम के अंदर 14 कुल खिलाड़ी हैं इस समय, 5 ओवरसीज खिलाड़ी इनके पास हैं, इन्होंने जिनको जाने दिया है, यू विल बी सरप्राइज कितने लोगों को जाने दिया है, एक्चुअली 16 खिलाड़ियों को उन्होंने जाने दिया है। एरन फिंच, अभिजीत तोमर, अजिंक्य रहाणे, एलेक्सेस, अशोक शर्मा, बाबा इंद्रजीत, चमिका करुणारत्ने, मोहम्मद नबी, पैट कमिंस, प्रथम सिंह, रमेश कुमार, रसिकदार, रिंकू सिंह टीम में है, बाहर नहीं गए हैं, सैम बिलिंग, शेल्डन जैक्सन, शिवम मावी, बहुत सारे लोगों को जाने दिया। अब जो टीम बचती है उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों में मुझे बैटर थोड़े कम नजर आ रहे हैं। आपके पास वेंकटेश अय्यर के रूप में एक ओपनर है, उसके बाद आपके पास श्रेयस अय्यर के रूप में एक बल्लेबाज है, नितिश राणा है, फिर रिंकू सिंह है और रहमानुल्लाह गुरबाज, ये आपके पास 5 खिलाड़ी हैं। अब रहमानुल्लाह गुरबाज को अगर आप ऊपर खिलाते हैं, उसके बाद आप एंद्रे रसल को खिलाते हैं, उसके बाद आप सुनील नारायण को खिलाते हैं, तो एक ही फास्ट बॉलर आप खिला पाएंगे, वो होंगे लॉकी फर्ग्यूसन। अगर लॉकी फर्ग्यूसन या टिम साउदी में किसी एक को खिलाते हैं तो भारतीय फास्ट बॉलर्स भी चाहिए रहेंगे। अभी आपके पास इसीलिए शायद शार्दुल ठाकुर को लिया है, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव के साथ एक आंद्रे रसल स्लैश टिम साउदी, तो 4 बॉलर हो गए। वरुण चक्रवर्ती को इन्होंने अभी भी रोक लिया, तो दूसरा स्पिनर कौन होगा, वो सुनील नारायण होंगे। तो बॉलिंग तो चलो भैया ऐसे करके ठीक हो जाती है, बैटिंग के अंदर थोड़े से रहेगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो इस टीम की रहने वाली है, 11 इससे ठीक हो जाएगी, मैंने सी दिस टीम, मुझे लगता है 11 ये फिर भी ठीक कर लेंगे, लेकिन बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं, और सीजन लंबे होते हैं, आंद्रे रसल और नारायण की फिटनेस पे सवाल होते हैं, तो व्हाट दे वांट इज सम सीरियस बैकअप, पर वो सीरियस बैकअप के लिए शायद उतने पैसे नहीं है। देखिए आरसीबी के पास भी 9 ही करोड़ बचे हैं, 9.25 करोड़, ऐसा लग रहा है उनकी टीम पूरी है, इनके पास 7 करोड़ बचे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ बैकअप्स चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ 14 ही हैं यार, 23 तक तो पहुंचना है, 9 खिलाड़ी तो आपको ऑलरेडी और लेने हैं। उनमें से मैं नहीं कह रहा हूं कि आप महंगे महंगे खिलाड़ी खरीदोगे या खरीद पाओगे, पर 4 तो ओवरसीज भी चाहिए उसमें से, इट्स गोइंग टू बी अ टाइट वन कि बैकअप किस प्रकार से करते हैं। 11 तो ये अच्छे उतार देंगे मैदान पे, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट टीम इस वाले मेरे वीडियो के लिए जो है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, कितने लोगों को छोड़ा है, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन वंस अगेन, क्योंकि इन्होंने छोड़ा है एंड्रू टाई, अंकित राजपूत, दुष्मंत चमीरा, एवन लुइस, जेसन होल्डर, मनीष पांडे, शहबाज नदी। पांडे जी को छोड़ना बनता था क्योंकि 3 नंबर बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। अभी भी इनके पास 15 खिलाड़ी हैं, 4 ओवरसीज हैं और 23 करोड़ रुपये बचे हैं। दैट्स द थिंग ना, एक टीम के पास 15 खिलाड़ी हैं, दूसरी टीम के पास 14 खिलाड़ी हैं, एक के पास 7 ही करोड़ है, दूसरे के पास 23 करोड़ है, और 11 तो इनकी वैसे भी बनती है। क्विंटन डीकॉक के साथ केएल राहुल आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास मार्कस टॉइनिस होते हैं, फिर दीपक हुडा होते हैं, 4, आयुष बदोनी 5, कृणाल पंड्या, देन यू गॉट मार्क वुड, मोहसिन खान, आवेश खान, रवि बिश्नोई, 11 तो इनकी भी बन रही है, लेकिन अभी भी इनके पास 23 करोड़ रुपये बचे हैं। इसका मतलब इसे स्मार्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी राइट, कि अगर आपको अभी भी चाहिए, मुझे सैम करन चाहिए, मुझे कैमरन ग्रीन चाहिए, मुझे राइली रूसो चाहिए, मुझे हेनरिक क्लासन चाहिए, मुझे एक और लेग स्पिनर भी चाहिए, मुझे मयंक मार्कंडे चाहिए, या फिर मुझे चलो पीयूष चावला चाहिए, आप सब ले सकते हैं, सब ले सकते हो क्योंकि पैसे बहुत सारे बचे हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स वंस अगेन आई थिंक दे आर इन अ गुड पोजिशन। गौती की ये बात है, टीम अच्छी बनाता बच्चा अपना, सुपर अंडरस्टैंडिंग है गेम की, सो इज डन अ गुड जॉब वंस अगेन। जेसन होल्डर बिकेंगे, महंगे बिकेंगे, बहुत महंगे तो नहीं पर बिकेंगे ज़रूर, पर इस टीम के अंदर एक और ऑलराउंडर आएगा, अब वो कौन आएगा वी शैल फाइंड आउट, पर कहानी वैसे ये हो सकता है मयंक अग्रवाल के पीछे भी चले जाएँ, पॉसिबल है 3 पे, शायद 4 पे हुडा, 5 पे बदोनी, 6 पे स्टॉइनिस, कृणाल, बैटिंग में डेप्थ इंटरेस्टिंग है, मुझे पता बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मनीष पांडे की जगह शायद आप 3 पे किसी को रखना चाहें, पर वहाँ पे आप हुडा और बदोनी से काम भी चला सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, एक और वीडियो हमने किया था जिसमें हमने मुंबई की बात की थी, हमने बात की थी RR की, पंजाब की, वो वीडियो हम आप सुबह आप देख सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, और साथ में करेंगे IPL आने वाला है, मज़ा दुगना होने वाला है।